17 जून को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास भीषण रेल हादसा हो गया, जब एक मालगाड़ी की टक्कर लगने के चलते सियालदा जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे के 3 डिब्बी पटरी से उतर गए। हादसे में 10 यात्रियों की जान चली गई और कई घायल हैं। ड्रोन की मदद से ली गई ट्रेन हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ट्रेन की बोगियां कनस्तर के डिब्बे की तरह पिचकी पड़ी हैं, चारों तरफ सामान बिखरे पड़े हैं, ट्रेन की बोगियों के कागज के पन्नों की तरह चिथड़े उड़ गए हैं। दिल दहला देने वाला ड्रोन व्यू देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये हादसा हुआ तो बोगियों के अंदर बैठे यात्रियों का क्या हुआ होगा, वो मंजर कितना खतरनाक रहा होगा। बता दें कि हादसे की शुरुआती जांच में मालगाड़ी के ड्राइवर की मानवीय भूल सामने आई है। रेलवे की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मालगाड़ी को रोकने के लिए लाल सिग्नल दिया गया था, लेकिन पायलट ने गाड़ी नहीं रोकी और आगे बढ़ते हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस से जा टकराई। हादसे के बाद ट्रैक पर मरम्मत का कार्य भी शुरू किया गया। प्रशासन और रेलवे की टीम घटनास्थल पर पहुंची और ट्रेन के बोगियों को वहां से हटाना शुरू किया। कई घंटों के प्रयास के बाद ट्रेन के डिब्बों को पटरी से हटा दिया गया। पूरी रात मरम्मत का काम किया गया, जिसके बाद ट्रेन सेवाओं को दोबारा शुरू किया गया है। हादसे के करीब 12 घंटे बाद पहली मालगाड़ी इसी ट्रैक पर दौड़ी। बता दें कि हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मारे गए यात्रियों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख और मामूली रूप से जख्मी लोगों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे में शोक जताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना दुखद है, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना।